हाय एवरीवन, मैं शिवांगी शिवी क्रिएशन डीआईवाई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो सेहत से रिलेटेड है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे लेके आई हूँ जो करके आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ सर दर्द के बारे में। सर दर्द मोस्टली हर किसी को होता है, किसी को कम होता है और किसी को ज्यादा होता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और जब सर दर्द होता है तो लोग ज्यादातर दवाइयां लेना प्रेफर करते हैं ये जानने बिना कि जो हमें सर दर्द हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे घंटों बैठ के काम करते हैं या कई बार भूखे रहते हैं या चश्मा लगा के कंटिन्यू रखते हैं, तो इन सब वजहों से भी सर दर्द होता है। बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी खुशबू होती है जिससे उनको एलर्जी होता है, जिसकी वजह से उनको सर दर्द होता है। कुछ लोग को परफ्यूम से सर दर्द होता है तो कुछ लोग को अगरबत्ती से होता है। चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या वजहें हैं जिनकी वजह से सर दर्द होता है और इससे कैसे कैसे निजात पा सकते हैं, तो इस बारे में हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेपरमिंट के बारे में। अगर आपको सर दर्द है, काफी टाइम से हो रहा है या बहुत ज्यादा है, तो आप पेपरमिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे चाय में मिलाकर पी सकते हैं, इससे आपको सर दर्द में राहत मिलेगा। पुराने समय में पेपरमिंट का इस्तेमाल सर दर्द के लिए किया जाता था, ये काफी टाइम से किया जा रहा है तो इसे काफी उपयोगी माना जाता है और इसका इस्तेमाल सर दर्द के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बिल्लो बाग के बारे में। ये सर दर्द में काफी आरामदायक है। इस हर्ब का इस्तेमाल स्प्रिंग में किया जाता है। स्प्रिंग आप जानते होंगे, स्प्रिंग डिस्प्रिंग ये सब सर दर्द में दवाइयां ली जाती हैं। तो स्प्रिंग में बिलो बाग का इस्तेमाल किया जाता है। ये सर दर्द के लिए काफी इफेक्टिव दवा है, काफी इफेक्टिव हर्ब है। और अगर आप बिलो बाग के साथ पिपरमिंट और कैमोमाइल का मिक्स करके चाय में पीते हैं तो आपको इंस्टेंट पेन से रिलीफ मिलेगा। 5 से 10 मिनट में आपका सर दर्द भाग जाएगा और आपको तुरंत ही सर दर्द से निजात मिल जाएगा। तो इसका आप इस्तेमाल, अगर बहुत ज्यादा आपको पेन हो रहा है और बहुत जल्दी आपको चाहिए पेन से मुक्ति, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलो बाग, पेपरमिंट और कैमोमाइल, इन तीनों चीजों को मिला के आपको एक साथ पीना है और इसको आप चाय में मिला के पी सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो आप इसको कम दर्द हो या ज्यादा दर्द हो कभी भी पी सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस से जब आते हैं तो उनको सर दर्द हो रहा होता है। रीजन है उसका कि जो ऑफिस में उनका बैठने का पोस्चर है वो गलत होता है। जब ऑफिस में वो बैठते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ऑफिस में आरामदायक रूप में बैठना पसंद करते हैं, कि समटाइम्स कमर को झुका के बैठते हैं, सी शेप में बैठते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी कमर जो है झुकी हुई होती है और जब आपको कुछ काम करना होता है तो गर्दन को आपको ऊपर उठाना होता है, जिसकी वजह से, या फिर नीचे झुक के आप काम कर रहे हैं, ऐसा सर झुका के नीचे डेस्क पे काम करते हैं, तो उससे यहाँ पे आपकी गर्दन में एक्स्ट्रा खिंचाव पड़ता है जिसकी वजह से भी आपको सर दर्द होता है। तो इन सब चीजों से बचना है। अगर आपको सर दर्द से निजात चाहिए तो आपका जो पोस्चर है उसको सीधा रखना है, आपका जो यहाँ का पूरा ये पोस्चर पूरा स्ट्रेट रखना है, आपको 90 डिग्री पे बैठना है। आपका जो पोस्चर होना चाहिए वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, ना कि सी शेप में। सी शेप में आप जब बैठते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत आरामदायक पोजीशन होता है, लेकिन ये आपको बात के लिए भी नुकसान करता है और थोड़े टाइम के बाद आपको सर में दर्द होने लगता है, कमर का भी प्रॉब्लम हो जाता है इससे। तो इसलिए आपको पोस्चर ठीक रखना है। ये हो गया। और बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंटिन्यू काम करते ही रहते हैं, जिससे भी सर में दर्द होता है। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको ब्रेक लेना चाहिए। अगर आपने आधा घंटा काम किया है तो 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना चाहिए। कंटिन्यू जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उसको नहीं देखते रहना है। अगर आप उसे कंटिन्यू देखते रहेंगे तो इससे क्या होता है कि आपकी आंखों पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके सर पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको अपनी आंखें को रब करना है, थोड़ी देर के लिए इधर उधर देखना है, और हो सके तो अगर आप अपनी सीट से उठ सकते हैं तो आप अपनी सीट से उठ के 1-2 मिनट इधर उधर चल लीजिए, फिर आके अपनी सीट पे बैठिए और काम करिए।
तो इससे क्या होगा, आप थोड़ा एनर्जेटिक भी हो जाएंगे और आपका जो सर दर्द या ये सब होने वाली प्रॉब्लम्स है उससे भी आप निजात पा लेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि ऑफिस में काम करते टाइम सर दर्द से बचाव कैसे करना है, लेकिन अगर आपको सर दर्द स्टार्ट हो गया, आपको सर दर्द महसूस हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बड़ा ग्लास पानी का लेना है और उसको पीना है। पानी पीने के बाद आपको अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 टाइम्स घुमाना है, तो इससे आपका सर दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा और आप बेटर फील करेंगे। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं ऑफिस में। नेक्स्ट बात करते हैं हम नट्स एंड सीड्स की। ये मैग्नीशियम के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। इनका इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं जिनकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को ठीक व अच्छा करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और 50% ऐसे केसेस होते हैं जो माइग्रेन के 50% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। इसलिए अगर मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाएगा तो उनको माइग्रेन से निजात मिल जाएगा। और इसीलिए सीड्स एंड नट्स को आप अपने रोज मॉर्निंग के स्नैक्स में ले सकते हैं, स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, या इवनिंग में स्नैक्स के जगह पे आप सीड्स एंड नट्स खा सकते हैं, जिससे बॉडी में मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी, और मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी तो आपको सर दर्द नहीं होगा और काफी टाइम बाद तक सर दर्द की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सो आप सीड्स एंड नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है तो आप खुशबूदार चीजों से बच के रहिए। घर में कोई भी स्प्रे वगैरह इस्तेमाल नहीं करिए। आप बाहर भी जा रहे हैं तो भी परफ्यूम वगैरह से बच के रहिए। कोई भी परफ्यूम, आफ्टर सेव, क्लीनर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि ये क्या होता है, सीधे इसकी खुशबू सीधे नाक से दिमाग पे चढ़ जाती है और जो सर दर्द का एक कारण बनता है। अगर आपको घर में खुशबू चाहिए तो आप लेवेंडर की कुछ बूंदें पानी की बॉटल में डाल दीजिए और उससे पूरे घर में स्प्रे कर दीजिए। इससे खुशबू भी घर में बनी रहेगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा। ये थे कुछ पॉइंट जो आप इस्तेमाल करके सर दर्द से बचे रह सकते हैं, अगर सर दर्द हो गया है तो उससे निजात पा सकते हैं। तो मैं वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।